ચાલો વિડિયો ચાલો ઘર તો આવે છે ને એકદમ બરાબર છે ક્રેડિટ સીધી છે ને બધું સીધું છે હમારે સાથ અભી રવિ હે દોસ્તો મેં આપકો અપના એક્સપિરિયન્સ અભી શેર કરને વાલા હું જોબ કે બારે મેં મેને કેસે જોબ ઢૂંઢા ઓર મેરા ક્યા એક્સપિરિયન્સ રહા અબ તક કા મેરા નામ રવિ હે ઓર મેં યહાં પિછલે એક સાલ સે હું એક્ઝેક્ટલી એક સાલ મેરા અભી નવેમ્બર મેં નવેમ્બર તો નહીં લેકિન ઓક્ટોબર 18 કો જસ્ટ 1 યર એક્ઝેક્ટલી હુઆ હે તો મેં યહાં બેચલર્સ કર રહા હું એન્જિનિયરિંગ સાયન્સ મેં તોરવરગાત એન્જિનિયરિંગ તોરવરગાત યુનિવર્સિટી હે ઉસમેં બેચલર્સ અભી સેકન્ડ યર મેં મેં પઢ રહા હું ઓર મેં અભી ભી પાર્ટ ટાઈમ જોબ ભી કર રહા હું અભી હાલ મેં પઢતે પઢતે મેં ફ્રાઇડે સેટરડે સન્ડે જાતા હું સબસે પહેલે પાર્ટ ટાઈમ જોબ કેસે ઢૂંઢા મેને સબસે પહેલે પાર્ટ ટાઈમ જોબ ફિઝિકલી જાકે ટ્રાય કિયા થા કે સીવી બનાયા આપના ઓર સીવી દેને મેં ચલા ગયા થા રોમ મેં કાફી રેસ્ટોરન્ટ મેને સીવી દિયા 10-12-15 રેસ્ટોરન્ટ મેં દિયા હોગા સીવી મેને લેકિન ફિર વહાં સે કોઈ કોલ નહીં આયા તો ફિર મેં તીસરે દિન ઓર એક બાર ગયા થા જોબ ઢૂંઢને ઓર એક સુશી રેસ્ટોરન્ટ મુજે મિલા થા રસ્તે વેરે મેં મેને વહાં પે જાકે બોલા કે મુજે જોબ ચાહિયે और उसका रेस्टोरेंट अभी नया ही ओपन हुआ था शायद उसको 4-6 months हुए थे उसने बोला कोई बात नहीं कल आ जाओ 4 बजे हम बात करते फिर अपॉइंटमेंट दी उसने मैं गया बात किया मैंने उसने बोला कोई बात नहीं और वेटर का जॉब था कल से आ जाओ और मैं फ्राइडे सैटरडे संडे मैंने चालू कर दिया फिर और एक और सवाल इवन सबसे बड़ा सवाल इटालियन लैंग्वेज कितना आता है इटालियन लैंग्वेज मुझे बोलू तो A1 भी नहीं आता लेकिन बस थोड़ा थोड़ा मैं हल्का हल्का समझ लेता हूँ कि कोई क्या बोलना चाहता है और अगर मुझे बोलना है तो मैं उसको समझा देता हूँ टूटी फूटी भाषा में कि ये मैं कहना चाहता हूँ या फिर थोड़ा इंग्लिश भी बोल देता हूँ मतलब इटालियन लैंग्वेज जरूरी नहीं हाँ जरूरी नहीं है ऐसा नहीं है कि इटालियन लैंग्वेज आती है तो ही जॉब मिलेगी जॉब मिल जाएगी आप ढूंढने जाओगे तो आज एक दिन दो दिन तीन दिन मैक्सिमम एक वीक में तो आप जॉब मिल ही जाएगी आराम से अच्छा मैं बोल रहा हूँ ओके तो ये तो करंट सिचुएशन है इससे पहले कौन कौन सी जॉब की है मैंने इससे पहले जो लास्ट समर गया उसमें मैं गया था नापोली में एक इसकी आइलैंड है वहाँ के मेरा जो एक दोस्त था उसने बोला था कि यहाँ पे जॉब है तुम आ जाओ ऐसा बोल के कि यहाँ पे जॉब है होटल में वहाँ पे भी वेटर का ही जॉब था तो बोला तुम यहाँ जाओ और मेरे साथ मेरे एक दोस्त भी आया था हम दोनों वहाँ गए थे इसके वहाँ जॉब था उसने बोला था कि हमें 1200 यूरो पर मंथ देंगे ऐसा उसने बोला था तो हम गए हमने जॉब स्टार्ट भी किया और उसने कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब था तो हमने जॉब स्टार्ट किया और 10-12 दिन निकल गए फिर हमने उससे बात करने की कोशिश भी की थी कि सैलरी और काम कितने घंटे करना है क्या करना है लेकिन वो बिजी थे तो उसने बोला कल आओ वैसे एक या दो हफ्ते वैसे ही चले गए फिर हमने बात की तो पता चला कि 1200 यूरो सैलरी नहीं है क्योंकि वो टैक्स काटते अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे लीगली कंपनी है तो वो टैक्स भी काटेगी तो हमें इन द मंथली इन द एंड हाथ में सिर्फ 1000 या उससे भी थोड़ा मतलब 1070 या 80 यूरो हाथ में आए थे तो वो एक्सपीरियंस तो इतना अच्छा नहीं था क्योंकि उससे अच्छा तो अगर मैं रोम में भी जॉब ढूंढता तो मुझे इजीली मिल जाती और इससे ज्यादा सैलरी मिल जाती मतलब मेन चीज ये है कि उस जॉब से ये एक्सपीरियंस मिला कि कहीं पे भी जॉब चालू करो तो सबसे पहले सैलरी का डिसाइड करो सबसे पहले तो उससे मैं बोलता हूँ बात करो आपकी आपको आपको कितना सैलरी चाहिए और वो कितना देने में मतलब वो आपको क्या बोल रहा है कि मैं आपको कितना दे सकता हूँ और आपको कितना चाहिए वो भी उसको बोलो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपको इतना दे सकता है और इतना चलेगा आपको तो ठीक है वरना मत करो मैं तो बोल रहा हूँ दूसरी जगह पे चले जाओ जॉब तो मिल जाएगी ऐसा कुछ नहीं है और इटली में जो ऐसा रहता है कि पूरे साल में से समर में एक सीजन रहता है समर में तो आपको जॉब मतलब एक छोड़ोगे तो दूसरी मिल जाएगी पहले मतलब बात करो उसको कि इतना सैलरी इतने घंटे काम करना है और फिक्स सैलरी है वीकली है सब उससे पूछो ऐसा नहीं कि आप जाओगे और आपने एक हफ्ता दो हफ्ता काम कर लिया फिर आप उसको पूछोगे कि क्या सैलरी दोगे मुझे कैसा पेमेंट करोगे मंथली बैंक में कैश सब कुछ पूछ लो मैं तो बोल रहा हूँ उसको क्योंकि मेरे साथ एक्सपीरियंस हो गया तो मुझे पता है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अभी और कौन कौन सी जॉब की है बस उसका डिस्क्रिप्शन मतलब कोई और प्रकार की जॉब की है जैसे कि डिलीवरी मैंने नहीं सबसे पहले मैं जो आया था तब मैंने डिश वॉशिंग का काम किया था सबसे पहले आया था तब मुझे वो 6 यूरो पर आवर देते थे काफी अच्छा था लेकिन वो जॉब मैं फिजिकल वर्क चाहता तो मैंने 1 महीना किया था फिर मैंने छोड़ दिया और कोई और जॉब और तो अगर की हुआ तो ओके दैट्स इट बस तो ओवरऑल क्या बोलते हो अगर आपका रोम का एक्सपीरियंस है
तो रोम में अगर पार्ट टाइम जॉब या फिर फुल टाइम जॉब समर में कर सकते हैं? समर में तो इजीली मतलब आप जाओगे, आप सीवी दोगे तो एक दो दिन में तो आपको कॉल आ ही जाएगा। और अर्निंग कितना होता है? अर्निंग अराउंड मैं तो बोलो इन जनरल, हाँ इटालियन में नहीं भी आता है तो भी आप 1200 से 1400 तक आराम से कमा लोगे पर मंथ। नाइस। अगर इटालियन आता है तो उससे भी ज्यादा कमा सकते हो। एक्सेलेंट। 2000 तक।